आदरणीय डीएसपी साहब और सारे हमारे साथियों आईटीबीपी के जवानों, हर साल जैसा कि आज हम 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसे लागू किया था 26 नवंबर 1950 पहली बार। तो उस दिन पहली बार हम गणतंत्र दिवस मनाते थे और उसी के चलते चलते आज 2020 आ गया, तो 71वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। हमेशा जब भी मैं भाषण में इतिहास की बात जरूर बताता हूँ, तो मैं ये भी बताता हूँ कि 26 जनवरी को का क्या महत्व है। और आज इस सबसे बड़ी बात है कि आज जो 26 जनवरी है रविवार को है, और इसकी बहुत बड़ी महत्वता कि जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, तरावी नदी के तट पर, जहां पर आज मीनार ए पाकिस्तान स्थित है लाहौर में, वहां पर 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय 26 जनवरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। उन्होंने बताया कि जनवरी के जो अंतिम रविवार होगा उस दिन हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1930 को जो रविवार था वो 26 जनवरी को आया, और आज देखिए वैसी 26 जनवरी 2020 में भी आज रविवार है। तो उसी जो पूर्ण स्वराज मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, उसी से 26 जनवरी 1931 को 26 जनवरी 1947 तक स्वराज दिवस के रूप पूर्ण स्वराज रूप में कांग्रेस गांव-गांव में मनाती थी। उसी के महत्व को देख के, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को अपना देश संविधान बन के तैयार हो गया था, एडॉप्ट भी हो गया था, लेकिन उसको इनैक्ट मतलब इन्फोर्स नहीं किया था। इन्फोर्स किया था 26 जनवरी के महत्व को देख के, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। फिर कुछ हम बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी पूर्ण स्वराज क्यों, कि पहले स्वायत्त शासन की मांग चलती थी, लेकिन जब 1947 भगत सिंह आए, भगत सिंह का वो सुभाष चंद्र बोस आया, बाल गंगाधर तिलक आया, उन्होंने बोला कि हमें पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। तो साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन आया था इंडिया में। उनका उद्देश्य था कि 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का सुधार के लिए, कि देखने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में हुआ, क्या सुधार कर रहे थे क्या। तो इसका वो लोग साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि हम केवल गवर्नमेंट स्वायत्त शासन दें और मूल शासन अंग्रेजों के पास हो, हमारा मतलब पार्लियामेंट अंग्रेज ही हमारे देश का कानून बनाए वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो इस साइमन कमीशन का पूरे देश में भी विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी लगी, उनकी डेथ हो गई। लाला लाजपत राय के पढ़ने के बाद पूरे देश में मांग उठी पूर्ण स्वराज। वही पूर्ण स्वराज की मांग से 26 जनवरी जुड़ा हुआ है। और फिर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने बोला कि पूर्ण स्वराज ही हमें चाहिए। फिर बता दें कि गणतंत्र कुछ जैसे गणतंत्र का क्या मतलब, गण के मतलब होता है समूह, तंत्र मतलब शासन व्यवस्था, समूह का शासन व्यवस्था, मतलब व्यक्ति का शासन व्यवस्था नहीं, कोई राजा का शासन व्यवस्था नहीं, गण समूह का शासन, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन को गणतंत्र हम कहते। उसी तरह रिपब्लिक लैटिन वर्ड रेस पब्लिका से हुआ, तो पब्लिक अफेयर बोला जाता है, पार्शियल डेमोक्रेसी। रिपब्लिक मतलब गवर्नेंस बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी की ओरिजिन। तो हम बोले कि जहाँ तक गणतंत्र का सवाल है, हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था लीच्छवी गणतंत्र जो वैशाली, बिहार के वैशाली जिला में भगवान बुद्ध के समय का लीच्छवी गणतंत्र को
हमारे इस बात का गौरव होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे पहला गणतंत्र लिखित गणतंत्र था जो हमारे अपने भारत में थे। इसके बाद हम एक कविता जो मैं अपने लिखा हूँ कविता में पढ़ चुका गणतंत्र दिवस आधारित कविता 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हम 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस पर अपना संविधान लागू होने का उत्सव पूरे भारतवर्ष में हम मनाते हैं। जब यह देश पराधीनता के बेड़ियों से स्वतंत्र हुआ तब देश के विद्वानों एवं कानून विशेषज्ञों के समक्ष एक सशक्त स्वदेशी संविधान बनाने की अद्भुत चुनौती एवं जिम्मेदारी श्री बी आर अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एम मुंशी बी एन राव कृष्ण स्वामी अय्यर गोपाल स्वामी अयंगर सुरेंद्र नाथ मुखर्जी बी एल मित्तर सच्चिदानंद सिन्हा आदि विद्वानों का नया संविधान बनाने में था बड़ा योगदान एवं भागीदारी। श्री बी आर अम्बेडकर अय्यर अयंगर मित्तर एवं बी पी खेतान आदि की टीम ने नए संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया। श्री प्रेम नारायण राय यादव सक्सेना ने संविधान को अपने हस्तलिखि में कलमबद्ध किया तथा शांति निकेतन के श्री नंदलाल बोस ने जिस सुंदर कलात्मक स्वरूप दिया। आज हमारे संविधान के 465 अनुच्छेद 25 भाग एवं 12 अनुच्छेद से बनाता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। मूलभूत अधिकार मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद संसदीय स्वरूप धर्म निरपेक्षता एवं एकल नागरिकता आदि हमारे संविधान के हैं विशेष प्रावधान। गणतंत्र दिवस जनतंत्र एवं समूह द्वारा शासन का द्योतक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 से शुरू हुआ और इस पर से जुड़ा हुआ है देश का प्राण। 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाकर इसे बनाया ऐतिहासिक एवं महान। अपना देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं अपना लिखित गणतंत्र विश्व का सबसे बड़ा सर्वप्रथम गणतंत्र होने का है हमें अभिमान। अपने देश की एकता अखंडता संप्रभुता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बचाकर जाति धर्म एवं संप्रदाय के मतभेदों को मिटाकर हम बढ़ाएंगे इस देश की शान। और एक बार बता दें कि अपना देश बहुत कम लोग पता है कि अपना देश में जो संविधान लिखा गया था वो हाथ से लिखा गया था। एक कैलीग्राफर थे उनका नाम था श्री प्रेम बिहारी नारायण राय यादव सक्सेना। वो अपने हाथों से उन्होंने लिखा था और आचार्य नंद लाल बोस ने उसको आर्टिस्टिक फॉर्म दिया।